एक बार बोल दिए साइलेंट हो जाए। मैं बधाई देना चाहूँगा आप सबको कि जब मोदी सरकार 2 जब देश का आम बजट पेश किया गया और बजट के अंदर जो देश के स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, देश की गरीब जनता की खुशहाली के लिए, किसान की खुशहाली के लिए, आम जन की मजबूती के लिए जो उसके अंदर लाभ दिया गया, इससे देश की जनता को तो लाभ मिलेगा ही, परंतु उसके बाद देश की मजबूती के अंदर मोदी सरकार 2 का ये पहला बजट, हमारी देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया और अपने वक्तव्य के अंदर उन सब बातों को दोहराया जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक समय सीमा तय की कि देश के अंदर जो हमारा ऐसा व्यक्ति है जिसके सर के ऊपर आज भी छत नहीं है, और प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि 2022 तक देश में एक उस बात की ने लोकसभा के अंदर दोहराया और एक बात कही कि ये मोदी सरकार है अब गरीब व्यक्ति को मकान बना करके देगी, उसमें नल लगा करके देगी, उसमें बिजली का कनेक्शन करा करके देगी और उसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर भी पहुंचा करके देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। ये पहली बार है कि इतनी मजबूती से जो देश के स्ट्रक्चर को मजबूत करने का उन्होंने गरीब की खुशहाली के लिए ये बजट पेश किया है। इस बजट से गांव को, किसान को, गरीब व्यक्ति को, आम व्यक्ति को, हर वर्ग के लिए ये लाभकारी बजट है। ये विकास, देश को विकास की दिशा के अंदर और तेजी से आगे ले जाने का काम करेगा और पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ। अपने आप लोग जिंदा मानता है क्या है? क्योंकि जिस व्यक्ति ने जो कार्य किया क्षेत्र के विकास की बात करनी चाहिए थी, अवसर मिलता परंतु उसकी भी महत्वाकांक्षाएं ऊंची हैं। सपना कोई भी ले सकता है, सपने का तो हर व्यक्ति का अधिकार है। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सपना लिया था, कांग्रेस पार्टी ने भी उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो नगर निगम के अंदर नोटिफिकेशन जारी करके ये कदम उठाया था कि मेयर का चुनाव डायरेक्ट होना चाहिए, उससे भ्रष्टाचार के ऊपर भी एक बहुत बड़ा अंकुश लगा और निगम का भी विकास तेजी से होता है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की एक खिड़की है जो मनोहर लाल जी ने बंद की है। ये बहुत अच्छा है, बड़ा सराहनीय फैसला। अगर वो नगर परिषद के अंदर भी, जिला परिषद के अंदर या नगर पालिका के अंदर, नगर परिषद के अंदर ये फैसला आ रहा है तो सराहनीय है, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार की खिड़की को बंद किया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, इसके अंदर तो नवजोत सिंह सिद्धू भी रहा, इसमें राजकुमार सैनी भी रहा, कोई भी व्यक्ति आ सकता है। मैंने सपना की बात की है, सपना लेना किसी का नहीं, सपना लेना उस व्यक्ति का अधिकार है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस में रहते हुए सपना देखा था कि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा, परंतु उसको कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अभी उसका एक सपना है, सपना लेना किसी का अनुरोध नहीं सकते। कांग्रेस में हुई है जब लोकसभा का चुनाव था और मैं पंजाब का
बाड़ा गांव के अंदर एक बात मैं से कहता था कि आज देश की जनता का मूड है, देश की जनता नरेंद्र मोदी को दोबारा फिर देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रही है और कांग्रेस की हालत ऐसी होगी चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा कि उसको विपक्ष का नेता भी देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी और उसको विपक्ष का नेता भी स्वीकार नहीं किया गया, उसको विपक्ष का नेता भी बनने के लिए कांग्रेस को आज अलायंस बल की आवश्यकता पड़ रही है, अपने बलों की आवश्यकता पड़ रही है। सपना लेना मिला है कि विपक्ष का नेता बन रहा है, हरियाणा में भी विपक्ष का नेता ना बनता है। बीजेपी ने कभी भी उसको नाचने वाले नहीं कहा, ये तो हर व्यक्ति का, क्योंकि अपना एक कार्य होता है और उसके माध्यम से व्यक्ति जिस भी क्षेत्र के अंदर काम करता है उसका अपना एक वो उसका कार्य होता है, उस कार्य के ऊपर काम करता है उसके अंदर। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस प्रकार का लूज कभी भी बयान नहीं आता भारतीय जनता पार्टी के प्रति। अगर कोई किसी व्यक्ति ने बोला उसका अपना वो शब्द होंगे, अपनी बात होगी उसकी, भारतीय जनता पार्टी से उसको कोई लेना देना नहीं।